हेलो बच्चों, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। कैसे हैं आप सब? ठीक है? जितने भी बच्चे CUET लीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उनमें उनको काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो पहले तो मैं आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता देता हूँ क्या करना है, है ना, और बाकी जानकारी तो आपको हर जगह मिल जा रही है। और उसके बाद डिटेल में देखेंगे कि आखिरकार जो डोमेन वन है, जो का मैथ्स का सिलेबस है, वो क्या है। ठीक है? इससे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा CUET लीट के बारे में मैंने पूरी जानकारी डिटेल वे में दी है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस रह जाते हैं आपके, कुछ क्वेरी रह जाती है, तो आप क्या कर सकते हो, आप दिए गए नंबर पर कॉल कर लो, उस पर आ जाइए, या फिर आप किसी भी और माध्यम से आप हमें मैसेज कर सकते हो। तो अगर मैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करूं, ठीक है, अगर मैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करूं तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका क्या होगा, एक आपके पास है जनरल टेस्ट, इसकी विड्थ बढ़ जाएगी, ठीक है, एक आपके पास क्या हो जाएगा, जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में आपको पता है क्या आता है, जीके जीएस एप्टीट्यूड रीजनिंग, ये सब आता है। तो ये तो आपको पहला सब्जेक्ट ये होगा, तीन सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट तो आपका एक तरह से ये हो गया। ठीक है? अगर मैं दूसरे सब्जेक्ट की बात करूं जो आपका डोमेन वन होगा, जो आपका क्या होगा, डोमेन वन, वो आपका क्या हो जाएगा, मैथ्स, वो आप क्या ले लो, मैथ्स। मैथ्स में भी क्या है, दो सेक्शन है, तो आपको मैथ्स में क्या लेना है, एक तो आपको लेना है ए, सेक्शन ए। सेक्शन ए में भी क्या सिलेबस है वो डिटेल में देखेंगे। और जो दूसरा सेक्शन है आपका, जिसमें है दो ऑप्शन आपके पास होता है कि B1 लेना है या B2, तो आपको क्या करना है, B2 नहीं लेना है बिल्कुल भी, क्योंकि इससे बीटेक डिप्लोमा के बच्चे फेमिलियर नहीं है, इसमें अलग अलग ही चैप्टर है, अभी देख लेना। आप अपने सेमेस्टर में या फिर 11th 12th में ज़्यादातर क्या पढ़ते हो, B1, तो यहाँ से जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमारा बन गया वो क्या बन गया, वो आपका बन गया, ये पूरा मिट गया। तो यहां से आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या बन गया था, एक तो जनरल टेस्ट हो गया था, दूसरा आपका मैथ्स में क्या बन गया था, मैथ्स में आपके पास आ गया था सेक्शन ए और B1, और तीसरा जो आपके पास डोमेन है, डोमेन 3 की बात करूं, इसमें भी क्या है, थोड़ा सा क्या है, ट्विस्ट है। ट्विस्ट को जो समझ लेगा उसे कॉलेजेस मिलने में भी क्या होगा, काफी आसानी होगा। ट्विस्ट ये है कि डोमेन वन में आपके पास दो सब्जेक्ट आते हैं, जैसे एक तो आता है CS कंप्यूटर साइंस और दूसरा आपके पास होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग, या फिर आप इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, कुछ भी बोल लो इसे, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। अब जनरली होता क्या है, इसका सिलेबस काफी लेंदी होता है और हार्ड भी होता है, और इसमें स्कोर करना क्या होता है, काफी मुश्किल होता है। और अगर इससे आप कंपेयर करोगे तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का सिलेबस भी काफी छोटा है, समझना भी आसान है, इसीलिए ये पेपर हो जाता है स्कोरिंग। तो यहां पर मैं रिकमेंड करता हूं कि आप जो है CS वाले, अगर आप CS में आपको इतनी पकड़ है, इतनी अच्छी लगती है, कमांड है, तो आप CS के थ्रू जा सकते हो, क्यों नया सब्जेक्ट पढ़ना। लेकिन अगर आपने CS भी आपका कमजोर है, तो इससे अच्छा है कि नया सब्जेक्ट पढ़ना ही है तो आप इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को पढ़ लो। ठीक है? ये काफी ज्यादा स्कोरिंग और इसमें आपको मार्क्स भी आपको गेन करना अच्छा होता है। आप कोशिश करो, अगर पूरा पेपर आपका 600 मार्क्स का है, तो आप इतनी तैयारी रखो कि आप 550 तो एक टारगेट ले लो, 520 के अराउंड आप क्या करो, लाने की पूरी पूरी कोशिश करते रहो। ठीक है? अब इसमें आगे कैसे लाएंगे, जनरल टेस्ट क्या होगा, वो आप अलग अलग वीडियो में जानकारी आपको मिल जाएगा। और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का सेपरेट वीडियो हमारा आने वाला है मॉड्यूलेशन 2.0 चैनल पर, तो वहां से आप इंजीनियरिंग ग्राफिक्स भी पढ़ लेना। मैथ्स का भी सिलेबस आपको वहीं मिलेगा मॉड्यूलेशन 2.0 ऐप पर, वहां से भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है? लाइव, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस हमारे आने वाले हैं। तो अब डिस्कस करते हैं अपना मैथ्स के सिलेबस के ऊपर कि आखिरकार मैथ्स का सिलेबस क्या है। सिलेबस फॉर क्लास 12th सेम है। अगर आपका मैथ्स का डोमेन है, मतलब डोमेन सब्जेक्ट में एज अ मैथ आप करना चाह रहे हो, तो भी आपको इसी तरीके से चलना है। सारा डिटेल दिया हुआ है, सेक्शन ए है, सेक्शन बी में B1 है, B2 है। सेक्शन ए में आपके पास 15 क्वेश्चंस होंगे, याद रखिएगा ये सब चीजें। सेक्शन ए में आपके पास कितने क्वेश्चंस होंगे, 15 क्वेश्चंस होंगे। और जो आपका मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स सेम सिलेबस क्या होता है, B1 में भी रिपीट करता है, देखना। और सेक्शन बी में आपके पास 35 क्वेश्चन होंगे, आउट ऑफ विच 25 क्वेश्चन नीड टू बी अटेम्प्टेड। और B2 में आपके पास 35, B2 की तो मैं बात ही नहीं करूंगा मैं। ठीक है? तो आपको यहां से 15 और 25 क्वेश्चन इस तरह कैसे करने हैं।
आगे देखते हैं क्या है आपके पास। अब देखिए सेक्शन वन, सेक्शन वन में आपके पास लगभग 6 चैप्टर हैं। 6 चैप्टर में से अगर मैं मेन मेन चैप्टर की बात करूं तो आपका एक तो हो जाएगा अलजेब्रा, एक आपके पास क्या है अलजेब्रा, उसके बाद दूसरा आपके पास हो जाएगा, अलजेब्रा में भी सब ये सब पढ़ाया हुआ है, टॉपिक काफी इजी है। दूसरा आपके पास हो जाएगा कैलकुलस, तो कैलकुलस में भी अभी क्या है यहां पर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की ज्यादा बारे में नहीं है, यहां पर आपके पास क्या है ज्यादातर क्या है ये भी जो है थोड़ी देर में क्या हो जाएगा मिट ही जाएगा अगर आप इसको वो करोगे तो। चलो कोई नहीं, दो दो आपने देख लिया, एक कैलकुलस हो गया आपके पास और एक आपके पास क्या हो गया अलजेब्रा, ठीक है अलजेब्रा हो गया कैलकुलस हो गया। चौथा अभी दिखाता हूं, चौथा आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी आप अप्लाइड मैथ्स में पढ़ते हो डिफरेंशियल इक्वेशन। पांचवा आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और छठा देखते हैं क्या हमारे पास, तीसरा और छठा रह गया है, छठा आपका लीनियर प्रोग्रामिंग, ये भी एक काफी कॉन्सेप्चुअल है, ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं है, कॉन्सेप्ट बेस्ड ज्यादा है ये। और तीसरा आपका क्या है ये कैलकुलस में आपने देख लिया था ना मैक्सिमम मिनिमम, ये पूरा डेरिवेटिव का चला गया और इंटीग्रेशन के थोड़े से सवाल हैं। तो इससे तो 15 क्वेश्चन आएंगे तो ये लगभग फिर भी इजी है, लेकिन अगर आप B1 की बात करोगे, B1 का सिलेबस थोड़ा सा लेंदी है, इसे मेन आपको पढ़ना है, ये पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक वो हो जाएगा। आपका एक क्या है रिलेशन एंड फंक्शन है, लिख देता हूं रिलेशन एंड फंक्शन में भी आपको क्या करना है दो चीज देखना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ये ज्यादातर बच्चे अभी तक नहीं पढ़े होते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। रिलेशन एंड फंक्शन तो फिर भी हमने पढ़ा होता है, तो यहां पर आपको पढ़ाया जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में। दूसरा यूनिट आपके पास आ जाएगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, क्लियर है ना, दूसरा यूनिट में अल्जेब्रा, अल्जेब्रा में आपको मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट पढ़ना है, इसमें फिर से कैलकुलस आ गया जिसमें कॉन्टेंट डिफरेंशिएबिलिटी, मेन आपको B1 ही पढ़ना है, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, जो चैप्टर छूट जाएंगे लीनियर प्रोग्रामिंग जैसा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जैसा तो वो अलग से पढ़ लेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो जाएगा सेम है, इंटीग्रल सेम है, सब हमने स्पेशली पढ़ाया हुआ है एक एक टॉपिक करके सेम, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल सेम है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी सेम था है ना, और एक आपके पास यूनिट 4 है वेक्टर्स, ये भी हमने आपके अप्लाइड मैथ्स 2 का सिलेबस है, ये वेक्टर 3D पढ़ेंगे, ये अलग से लीनियर प्रोग्रामिंग देखो फिर से रिपीट कर गया, और एक आपके पास क्या है प्रोबेबिलिटी। तो आपने देख लिया यहां भी 6 यूनिट है, वहां भी लगभग 6 यूनिट था, तो ये सब तो अभी मैंने मेन मेन आपको बता दिया। अगर आपको डिटेल में पूरा ये अभी चैप्टर्स बताए हैं, इसके नेमिंग नहीं बताए हैं, तो डिटेल में पढ़ना है इसके बारे में जानना है तो आप ऐप से जुड़ जाओ, या फिर आप क्या कर सकते हो जो हमारा अभी रिसेंट जो हमने कोर्स लॉन्च किया है, अच्छा अप्लाइड मैथ्स जैसे B2 का सिलेबस देख लो काफी अलग सा है, ये मॉडुलो अर्थमेटिक ये तो किसी ने नहीं पढ़ा हुआ होता है, ठीक है ये सब थोड़ा सा एप्टीट्यूड का चला गया, फिर भी थोड़ा सा पार्टनरशिप का, फिर अलजेब्रा भी है, कैलकुलस फिर वापस है, प्रोबेबिलिटी है, वेरिएंस है, इंडेक्स नंबर, तो ये काफी क्या हो जाता है थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो आपको क्या करना है इस सिलेबस के चक्कर में नहीं पढ़ना है, जो मेन बात थी वो मैंने आपको बता दिया। अब जानते हैं थोड़ा सा कि आपको कहाँ से पढ़ना है, ठीक है वो बात जान लेते हैं। तो मॉड्यूलेशन ने क्या किया, अभी एक अपना बैच लॉन्च किया है CUET लीट के लिए स्पेशली, ये स्पेशली क्या होगा CUET लीट के लिए होगी, इसमें जनरल टेस्ट और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स अलग है, तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा स्पेशली, ये किसके लिए है CUET लीट के लिए बैच है, जिसमें कि आपको 3 सब्जेक्ट कवर कराए जाएंगे, जनरल टेस्ट और क्या कवर मिलेगा आपको मैथ्स, और आपको क्या कवर मिलेगा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ये वीडियो आपको कवर मिलेंगे। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 2 मोड में हमारे पास आने वाला है, एक ऑनलाइन मोड जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं उनके लिए फीस रखी गई है 2499, ठीक है इससे अफोर्डेबल आपको कहीं नहीं मिलेगा, और अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन में आपके पास क्या है 1499 का आपके पास ऑफलाइन है। सिलेबस काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, आप समझ रहे हो टाइम लगेगा, तो खुद से अगर तैयारी नहीं हो पा रही है तो आप हमारी हेल्प ले सकते हैं, फीस हमने काफ़ी अफोर्डेबल रखा है क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा पढ़ाना है, अगर आप फीस लेते हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है सिलेबस कवर कराना, तो उसी हिसाब से सारी चीज़ें रखी गई है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो, गूगल फॉर्म है उसे भी आप फिल करके आप बता सकते हो, और भी अलग अलग माध्यम से आप यूट्यूब से आप जुड़कर हमें सारी चीज़ें बता सकते हो, ठीक है। अगर और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें बताइए, उसके रिगार्डिंग आपका प्रॉपर वीडियो लाया जाएगा। तो जल्दी से फॉर्म भर दीजिए। अच्छा फॉर्म भरने की भी मैं बात करूं, जैसे अभी क्या है 10 मार्च हो गया है,
तो अब आप अप्रोक्स क्या करना, 13-14 मार्च के आसपास क्या करना, फॉर्म भर देना, और भी अगर कुछ कॉलेजेस ऐड हो तो आप उसको ऐड कर पाओ, ठीक है। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत है, आगे कोई दिक्कत है, तो सबके लिए आप क्वेरी कर सकते हो मॉड्यूलेशन ऑफिस में, ठीक है। थैंक यू।